19 और 20, 18 तारीख मैं पेटरवार में गोमिया विधानसभा के लिए के लोगों को आभार देने के लिए मैं वहां रहूंगा। बेरमो में भी 18 तारीख को ही मेरा कार्यक्रम है, आभार यात्रा वहीं पर है। 19 को टूंडी और बागमारा में और 20 को डुमरी और गिरिडीह में मैं लगातार 3 दिन उस क्षेत्र के लोगों के साथ, वहाँ के जनता के साथ, वहाँ के आवाम को आभार देने के लिए उस क्षेत्र में मैं उपस्थित रहूँगा। मैं खुद उस कार्यक्रम का हिस्सा रहूँगा। पार्टी 22 जून पार्टी का एक महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में हम सभी लोगों का नेतृत्व एक छात्र संघ के रूप में सामने आया। एक कल्पना राज्य के अंदर राज्य के नौजवानों ने गढ़ा कि राज्य के लिए लंबे समय से चलने वाले आंदोलन को धारदार बनाने के लिए राज्य में छात्र इकाई के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन। हम सभी उसी संगठन के एक हिस्सा रहे और अपनी भूमिका उसी संगठन में छात्र जीवन से ही इस राज्य के लिए समर्पित किया, इसलिए उस दिन को हम लोग ने, क्योंकि उसकी आक्रामकता की हद इस रूप में थी कि लोगों ने अपना पूरा जीवन झारखंड आंदोलन की इस लड़ाई को उस बैनर के तले समर्पित किया, इस हद तक लोगों ने लड़ाई लड़ा। और हमेशा इस बात को हम लोग कहते हैं कि झारखंड आज बना है, झारखंड की स्थापना हुई, तो झारखंड की कल्पनाओं में अगर सबसे ज्यादा जोर और सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दिया तो उस समय के छात्र नेता ने दिया। आज उसी दिन को एक बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हम लोग ने किया है। और केवल बलिदान दिवस मनाने का मात्र नहीं, बल्कि उस दिन राज्य के लाखों नौजवानों को आजसू के उस पूरे इतिहास को बताने के लिए तो एक दिन छोटा पड़ेगा। एक किताब में पूरा विवरण भी नहीं हो सकता है, उसकी इतनी घटनाएं, इतनी इतने विषय उसमें हैं, इतने तरह के आंदोलन हैं, इतने तरह के राजनीतिक घटनाएं हैं, जिसको एक किसी बुक में और किसी एक राइटर से और किसी एक आदमी संजो कर एक जगह परोस दे ऐसा हो नहीं सकता है। अभी भी अनछुए पहलू कई हैं जो उस पूरे आंदोलन के क्रम के हैं, जो आज तक जिन्हें उठाया नहीं गया, कलमबद्ध ना किया गया, लिपिबद्ध नहीं हो पाए। हम लोगों ने उस घटना को, उस स्थापना काल से लेकर संघर्ष की घटना को एकत्रित करते हुए राज्य के नौजवानों के समकक्ष रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इस राज्य को, मैं देखता हूं इस राज्य के गठन को कई लोग, कई राजनीतिक मंच इतने बड़े लड़ाई को सहज से लेते हैं या फिर उसका सही आकलन नहीं कर पाते। जिस राज्य के ऊपर आप काम करेंगे, जिस राज्य के ऊपर राजनीतिक जिम्मेदारी लेंगे, तो सबसे पहले राज्य के लिए और राज्य के गठन के लिए जो कुर्बानी या फिर गठन के जो तत्व थे रहे हैं, जो विषय रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, तो अपने ही राज्य में ठटे हुए महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने तय किया कि उसका एक वीडियो हर विधानसभा में हजारों नौजवान के बीच में रखा जाए और उस इतिहास को परोसने का काम करें, ताकि उसके जहन में जब वो सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करेंगे या ना भी करें, तो झारखंडी होने के नाते ये झारखंड गठन की वेदना और उसके पीछे की कल्पना उसके जहन में होना चाहिए। और जैसे जैसे ये कमजोर पड़ेगा, झारखंड की वास्तविक स्वरूप से भटकते जाएगा, इसलिए उस भटकाव को रोकने के लिए और झारखंड को उसके वास्तविक स्वरूप पर स्थापित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नए पीढ़ी को इस झारखंड गठन के उद्देश्य के आसपास रखना या उनकी मानसिकता में ये विषय भरा रहना चाहिए।
ये काम और इस दायित्व का निर्वहन हमारा संगठन करेगा और ये 22 तारीख को इसीलिए हम सभी लोगों ने हर विधानसभा 81 विधानसभा में कार्यक्रम करके उस क्षेत्र के युवाओं के बीच में झारखंड के इतिहास को वीडियो चित्रण के द्वारा उनके सामने रखने का निर्णय लिया। पार्टी 26 जून से लेकर जुलाई के अंत तक पूरे एक महीना 26 तक पूरे राज्यभर में पार्टी के बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सभी लोगों ने तय किया है, पार्टी के विधानसभा बार बेसिक स्ट्रक्चर पर सबसे निचला इकाई पर काम करने वाला जिला प्रमुख और ग्राम प्रभारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हर विधानसभा बार करने का निर्णय लिए। ये क्रमबद्ध रूप से होगा, जहां ये काम पूर्ण हो गया वहां मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उन्हें अपने पद और उनके दायित्व का और उस संदर्भ में अपने विचार हम रखेंगे। तीस तारीख हुल दिवस है, राज्यभर में सभी विधानसभा में हुल दिवस मनाने का निर्णय। हम 8 अगस्त अजसु के कल्पना करने वाले इस धारदार संगठन को तैयार करने और उसकी सोच रखने वाले की सादत दिवस, निर्वल मातो सादत दिवस। 8 अगस्त को रांची में संभव हो तो मोरहाबादी मैदान राज्य भर के लाखों नौजवान जिन्हें झारखंड के विचारों से ओतप्रोत, झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने जहन में लेकर एक साथ एक मंच में शामिल होंगे और राज्य के लिए और हमारे लिए वो संकल्प दिवस है और राज्य के 2024 मिशन का संकल्प लेंगे। नौ तारीख अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस भी, इस राज्य से इस दिन का महत्व राज्य में काफी जनजातीय और ऐसे वर्ग जो आदिकाल से इस क्षेत्र में वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर राज्य के सभी विधानसभा इकाई में आदिवासी आखड़ा कार्यक्रम आहूत किया जाएगा। जिसमें पारंपरिक रूप से न केवल वेशभूषा भाषा बल्कि इस क्षेत्र में काम और योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी विचार है। ताकि वो प्रेरित होकर इस क्षेत्र में और बेहतर काम कर सके और अपने भाषा संस्कृति को अक्षुण रखने का जो हमारा प्रण है उसको बल मिले। सोलह अगस्त से 2 अक्टूबर तक राज्य के सभी विधानसभाओं पर पदयात्रा हमारा होगा। लगातार ये पदयात्रा 16 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक पदयात्रा पूरे राज्य भर में। ये निर्वाण पदयात्रा होगा
और एक विषय जो 22 जून के लिए है कि 22 जून को हर विधानसभा में जहां युवाओं को राज्य और बलिदान दिवस के रूप में मनाने का हम लोग निर्णय लिए हैं, उसी दिन हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 पौधों का रोपण करेंगे, वृक्षों का लगाने का काम करेंगे, मतलब पौधों का रोपण करेंगे, जहां ज्यादा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन कम से कम 100 नए वृक्षारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहाँ के नौजवान करेंगे। पार्टी ने पूरा अभी से लेकर अक्टूबर तक का 2024 मिशन को सामने रखते हुए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। अब राज्य के और राज्य के जो मनोदशा है उसके बीच अपने विचारों को लेकर जाने की तैयारी हमारी है और हम इसमें चूकना नहीं चाहते, क्योंकि किसी को संभालने में जितना वक्त चाहिए वो वक्त एक सीमा से ज्यादा हो गया है। जितने भी प्रयोग राजनीतिक चिंतन मंथन और प्रयोग होने हैं वो प्रयोग का दौर भी एक बेसिक मूल्यांकन करने का जो समय है उससे ज्यादा और ऊपर और आगे निकल गया है। इस राज्य को अपने मूल्यों पर और इस राज्य को अपनी क्षमता पर आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए शुद्ध रूप से इस राज्य के राजनीतिक दायित्वों का बेहतर रूप से निर्वहन ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य पर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी निकाय चुनाव जो है अटका हुआ है, पार्टी लगातार मैं 2-3 इश्यू पर आ रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ आपका विषय भी ले लूंगा तो मुझे अभी इस राज्य सरकार ये बातें अखबार में विदाई के हमने कहा था ये वर्ष विदाई का वर्ष है, ये सरकार के कमिटमेंट खोखले साबित हो चुके हैं और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। जाते जाते सरकार फिर से मजाक करने के लिए लगी हुई है यहाँ के नौजवानों के साथ। जो सरकार नीति बनाने के लिए, जो सरकार नियोजन के लिए, जो सरकार विस्थापन के लिए यहां पर आए, नीति बनाने के लिए आए, तीनों ही नीति जिसको फोकस करके राज्य के नौजवानों को भटकाने का काम किया था, इस तीनों के तीनों नीतियों पर केवल राजनीति करके इन्होंने छोड़ दिया है। कैसे सफेद झूठ बोल सकते हैं? अब बताओ, अभी वो कह रहे हैं कि हम मैं किसी अखबार में इस चुनाव के बीच में या उसके बाद में मैंने देखा कि वो ओबीसी के लिए आरक्षण लेके आ रहे हैं, आयोग ने 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। आप सभी को याद होगा कि आयोग के इस फैसले से पहले ही इस सरकार ने आनन फानन में विधानसभा के अंदर में स्थानीय नीति और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर एक प्रस्ताव लेके आके सीधे सेंट्रल को या राज्यपाल महोदय को रेफर किया बिना किसी आंकड़ा का, बिना किसी डाटा का। आप कोई चीज अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे तो आरक्षण के तर्क भी तो रखने पड़ेंगे। ये सारे चीजों को ना तैयार करते हुए उन्होंने आनन फानन में इन चीजों को तैयार करके केवल जनता के आईवास के लिए और मीडिया केवल एक इवेंट के लिए ये काम कर देते हैं। जवाबदेही नाम का कोई चीज नहीं। अब फिर से उसके प्रस्ताव को लेके आने के बातें चर्चा चल रही है, उनके प्रस्ताव आने के बाद बोल रहे हैं कि हम इस आरक्षण को देंगे। मैं ही कहता हूं कि जब सीमा जिस समय 50% की सीमा आवश्यकता थी कि इससे ऊपर आप कोई आरक्षण दे नहीं सकते, वो बाधा अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए तो 10% 50 से ऊपर 10% अति गरीब क्षेत्र में भी जो इस कंडीशन में नहीं आते थे, वैसे समाज को भी 10% का गरीबी को आधार मानते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को आधार मानते हुए आरक्षण देने का निर्णय आ गया। जब यह सीमा टूट गया तब अब 27% की बात कहां आती है? मैं तो कहता हूं कि चूंकि उनके नेता देश भर में इस पूरे लोकसभा चुनाव में ये कहते हुए गए कि भाई हमारी सरकार आएगी, जातीय जनगणना कराएंगे,
मैं कह रहा हूं यहां सरकार आपकी है, आप सरकार यहां है, आपने जातीय जनगणना की बातें तो जरूर की है, लेकिन निर्णय लेने से कौन रोका है? मैंने कहा था कि जिस दिन आप ये लेके आएंगे हम पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। जैसा आपने देखा होगा जिस दिन भी ये प्रस्ताव हाउस में आया था उस दिन सुदेशमा तो पक्ष और विपक्ष नहीं देखा, बल्कि समाज के हित में, राज्य के हित में, चाहे साधना कोर्ट का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, जो भी विषय ये लेके आए हम लोग खड़े रहे, लेकिन इस तर्क के साथ कि ये केवल गुमराह करने का प्रस्ताव है। ये सबसे पहले इस राज्य के अंदर पहले जातीय जनगणना कराए और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण सुनिश्चित करें। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर से बैकवर्ड के साथ अन्याय होगा। इस राज्य के अंदर हमने कहा था 11 मंत्रिमंडल है, एक मंत्रिमंडल खाली है। भाई शेड्यूल कास्ट का मंत्री पूरे कैबिनेट में नहीं है, एक पद खाली है। पता नहीं क्या बह है शेड्यूल कास्ट से इनका, उसके प्रतिनिधि को कैबिनेट में देखना नहीं चाहते हैं। अभी विस्तारीकरण की बात चल रही है, क्या एनडीए या अपना जो यूपीए गठबंधन या फिर इंडी गठबंधन, क्या ये सुनिश्चित करेगा कि अगर ये जो रिक्त पद है जिसको भरेंगे वहां ऐसी कम्युनिटी का कोई जगह या प्रतिनिधित्व तो आएगा क्या? उसी तरह से आपका भी सवाल है कि जिसको हम लोग ने चैलेंज किया, हम लोग ने चुनौती दी, मैं ओबीसी के जिस विषय की बात कर रहा हूं यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए कि इस राज्य में जैसे पंचायत का चुनाव और पंचायत में मिलने वाले ओबीसी के आरक्षण को इन लोगों ने समाप्त कर दिया, 10,000 पद हम लोग ने आरक्षित रखा था, पहली बार पंचायत के अंदर में भी उनको अनारक्षित करके चुनाव करा दिया, 10,000 लोग उससे वंचित रह गए। नगर इकाई में उसी तरह से आए थे, फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिए और कोर्ट का डायरेक्शन है सरकार को कि ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आप आरक्षण की सीमा तय करते हुए आप चुनाव कराइए, लेकिन सरकार कराना नहीं चाहती है। ये सरकारी पदाधिकारियों के से माध्यम से जनता से नेतृत्व होने वाले नगर इकाई को संचालन कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम लीडरशिप को ग्रोथ करना नहीं या फिर सामाजिक रूप से उनको नेतृत्व देना नहीं है, बल्कि बेदखल करने का आचरण रहा है, उसी आचरण को आगे बढ़ा रहे। और कोई दादा एक सवाल है, दादा एक सवाल है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया अलायंस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो वोटिंग मार्जिन है ज्यादातर जगहों पर बीजेपी का घटा है, एनडीए अलायंस का घटा है। तो आप जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं उस पर तो जनता ने एक तरह से वर्डिक्ट दे ही दिया, ये 4 महीने में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा? जनता का तो मुख दिख रहा है आपको, रिजर्व सीटों का भी है, रिजर्व ज्यादातर रिजर्व सीट उनके खाते में चलेगा। आपको इसके पहले के भी रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट और असेंबली के रिकॉर्ड्स को थोड़ा अलग अलग करके देखना पड़ेगा। आप चले जाओ पीछे, चले जाओ और उसके परिणाम को देखो। कभी कभी लोकसभा के परिणाम कुछ और होते हैं, क्योंकि लोकसभा में मतदान करने में लोग हमेशा, और मैं हमेशा कहता इस पूरे चुनाव को ये राष्ट्रीय पर्व है और देश का नेता का चयन, तो इसके स्तर को उस रूप से सोचना चाहिए, उस रूप से मतदान होना चाहिए, होता भी रहा है। राज्य के अंदर पार्लियामेंट में जो बहुमत आया है, पहले भी आया है, वो पूरा फिर असेंबली में उसी रूप से आएगा, ये कहना गलत है। और इसके रिकॉर्ड्स निकाल के देखो, ऐसा ही हुआ है। जब भी हम जितना छोटा चुनाव में जाएंगे वो चुनाव उस स्तर के निर्णय के आधार पर होगा। हम असेंबली में जाएंगे तो असेंबली के दायित्व और उसके क्षेत्र आधार पर होगा, हम पंचायत में जाएंगे पंचायत के दायित्व और क्षेत्र के आधार पर होना भी चाहिए, ऐसे ही चुनाव होना चाहिए। और ये आपको फर्क नजर आएगा, हम राज्य के देखने की दृष्टि और देश के देखने की दृष्टि, हर लोग, हर जनमानस और मतदाताओं में अलग अलग है। दादा 2024 की लड़ाई की आपने कमर कर दिया, लोगों के बीच पद यात्रा भी करेंगे हर विधानसभा में, लेकिन कितने सीटों पे आज का फोकस होगा, कितने सीटों पे आपकी जो वोट? मेरे जद में पूरा प्रदेश है, मैं सीट आधार पर, ये तो एक गठबंधन का एक विषय रहेगा, गठबंधन होगा, लेकिन मेरा दायित्व किसी सीट विशेष पर नेतृत्व करना नहीं है, मैं राज्य का नेतृत्व करता हूं और मेरे राज्य
पूरे दायित्व के क्षेत्र में है, मेरा दायित्व बनता है कि राज्य के अंदर में इस राज्य के वसूल, इस राज्य के विषय और इस राज्य की आवश्यकता का नेतृत्व करें, ये एक राजनेता होने के नाते मेरा दायित्व है और उसको हम पूरा करेंगे। दादा एक सवाल है, कांग्रेस जेएमएम ने अपने वोट बैंक बांट लिए कि कांग्रेस मुस्लिमों की राजनीति करके उन्होंने वो और इस नुकसान से बाहर निकालने की अपील हमारी रहती है और कहीं कहीं पर उस अपील पर हम लोग सफल रहे हैं, और अगर ये नहीं कर पाए तो मेरा राजनीतिक लड़ाई अधूरा रह जाएगा। भाजपा राष्ट्र की जो कोर बैंक वोट बैंक है वो भी नाराज है, वो भी अलग चल रहा है, तो ऐसे कैसे आपका आकलन गलत। वो लोकसभा चुनाव में वो दिखे रिजल्ट परिणाम, ये केवल उसका परिणाम नहीं है। मैंने कहा कि जिस लेवल के चुनाव को अगर उस लेवल में रहने देते तो ये फर्क नहीं दिखता, जब उस लेवल को नीचे लेके आइएगा तो कहीं कहीं उसका फर्क दिखाई देगा। हमारी तैयारी है कि लोगों को और आम लोगों को अपने देने वाले चुनाव और मत और उसके अधिकार क्षेत्र पर भी विश्लेषण और विचार रखने का हम लोग कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। दादा ये मानते हैं कि एनडीए की चूक हुई लोकसभा चुनाव की तैयारी में? देखो ओवरऑल ये चलता है, आप अगर लगातार सत्ता में है, 15 साल से सत्ता में रहेंगे तो ये एक समय ऐसा आता है कि कहीं कहीं पर मंथन चूक नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता है। मंथन करेंगे, लड़ाई लड़ी जाती है एक बड़े प्लेटफॉर्म में, लोगों की तैयारी रहती है, और कभी कभी कोई विषय को लेकर जिसको आप मान लो, आप देखो विपक्ष का आक्रमण क्या रहा, विपक्ष ने डेवलपमेंट को चुनौती का हिस्सा नहीं बनाया, विपक्ष ने क्या ऐसे विषय को उठा के लाए कि ये जब आ जाएंगे ना तो संविधान बदल जाएगा। चर्चा किस बात कर रहा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बोलो यही सरकार यही नेतृत्व 10 साल से देश के अंदर में कभी भी इस विषय पर इस एपिसोड पर कोई बात और चर्चा चला गया? जिनके हाथ में नेतृत्व है और जिसने 10 साल चलाए और आगे भी जो चलाएंगे 5 साल, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी धरती पर आकर खड़ा होकर कहे कि मेरी सांसें जब तक चलेंगी इस संविधान पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। नैरेटिव सेट करने में आप थोड़ा आगे निकल गए। एक बात ये को देखने को मिला कि जो आदिवासी मसला था वो आपसे जुड़ गया है, बीजेपी अगर हारी है चुनाव जो आदिवासी सीटें हैं वहाँ भी आपसे कुछ चूक हुई होगी तभी आदिवासी मतदाता आपसे जुड़ते हैं, ये क्या कारण आप लोग मानते हैं? क्योंकि आपके पास भी जो आदिवासी लीडरशिप होना चाहिए वो नहीं है, वहाँ भी कमजोर कड़ी में साबित हो रहा है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ये निश्चित रूप से सभी लोग इस पर मंथन करेंगे। जो आए जो विषय आ रहा है अगर इसी तरह का है, चूंकि वो रिजर्व सीट रहे हैं इसलिए आपको ये फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि आदिवासी केवल वहीं पर है। कभी कभी मैं देखता हूँ जो रिजर्व सीट है, चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट है उसमें आप शेड्यूल कास्ट का असेंबली सीट में जाके देखो, वहाँ 5-10% ही शेड्यूल कास्ट के लोग हैं लेकिन रिजर्व है, ऐसा नहीं कि बहुत ही एरिया है जो रिजर्व है, तो वहां पर आप आकलन गलत कर देंगे जब आप ये बोलेंगे कि शेड्यूल सीट है और यहां पर कैसे हार जीत हो गई, तो गलत हो जाएगा। हाँ अगर ऐसा आकलन के बाद ये पता चलता है कि सभी सीट के अंदर में एक वर्ग, आज सोचो सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला कौन, सबसे ज्यादा एनडीए की राष्ट्र के अंदर में सर्वोच्च पद पे सोचो, एक साधारण एक सार्वजनिक जीवन जीने वाली एक हमारी महिला नेत्री को आज सर्वोच्च पद पर स्थापित किए हैं। इस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री इसी क्षेत्र से गए, देश के कल्याण मंत्री, आप राज्य में विपक्ष का नेता हमारा उसी से, तो जहां भी लगा ये नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं, उनके हाथ में नेतृत्व रहा है हमेशा, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई विषय कोई कमी रह गई तो मंथन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग बैठेंगे मंथन करेंगे विचार करेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in